कि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, काफी दिनों बाद मैं आज लाइव आ रहा हूं और हरियाली के बीच में, पेड़ों के बीच में मेरे जितने वीडियो हैं वो सब वायरल हुए, अच्छे चले, तो मुझे मजबूरन आज प्रकृति की गोद में बैठ करके वीडियो बनाना पड़ा। जो हमने 16-17 जुलाई को शिविर रखा है तो उसमें मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि यह संयोग 149 वर्ष बाद आया है और अब इस जीवन में यह संयोग आएगा, इस प्रकार का या नहीं आएगा कोई नहीं जानता। खग्रास चंद्र ग्रहण, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन, इसके साथ और भी इसमें रहस्य समेटे हुए हैं। इस समय को अगर चूक गए, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन को बदलने वाला है, तो हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, साधक हैं, जो किसी साधना को करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, अपने वर्षों से आगे जो आई हुई परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से यही मेरा कहना है कि अगर वास्तव में चाहते हैं कुछ जीवन में चमत्कार, तो बिल्कुल भी देर न करें, इस शिविर में अटेंड करें और इस शिविर के लिए पंजीकरण करवा लें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप विदेश में रहते हैं, आप कहीं भी हैं, आप सारे काम छोड़ करके इस शिविर को अटेंड करें, बाकी आपकी मर्जी। यह दुर्लभ संयोग 149 साल बाद आ रहा है और आपको इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। हर साधक की यह इच्छा होती है कि वो जिस भी साधना को करे वो साधना उसकी सफल हो और वह अपने जीवन के सारे कष्टों से निजात पा ले। परंतु जब वो कहीं दीक्षा इत्यादि लेने जाता है, आवश्यक नहीं है कि अच्छे संयोग ही हों और जो गुरु इत्यादि हैं वो लोग भी इस बात को ध्यान नहीं देते। उनका ये मतलब होता है कि कोई भी आवे, हमें उसको अपना शिष्य बना लेना है, बाकी सब ठीक। हमारा ऐसे उद्देश्य नहीं, हम जब भी अपने यहाँ किसी को बुलाते हैं तो विशिष्ट योगों पर ही बुलाते हैं। विशिष्ट योगों पर आने से विशिष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। और यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव वैसे तो हर साल आएगा, इसके लिए साल भर लोग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जैसी गुरु पूर्णिमा ये आई है 2019 की, ऐसी गुरु पूर्णिमा कब आएगी ये कोई नहीं जानता। आशा करता हूं कि मेरी इस बात को आप गंभीरता से लेंगे और जब आपने ठान ही लिया है कि हमसे मिलना है, हमारे पास आना है और इन कार्यों को करना है, तो अब मैं समझता हूं कि कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी की वजह से आप इस यात्रा को रोक दें। बाकी ये भी है कि जब तक माँ भगवती की कृपा आप पर नहीं होगी, तब तक आप आ नहीं पाएंगे मेरे पास। बहुत सारे लोग पंजीकृत होकर के भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि माँ भगवती की इच्छा क्या है। पंजीकरण आपका हो चुका है, इसके बावजूद कुछ ऐसा होगा, अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करें यथासंभव कि आप आ सकें।
इस समय चंद्र ग्रहण पर, क्योंकि खग्रास चंद्र ग्रहण है, भारत में दृश्य है और मात्र 3 घंटे का है, पर 16 और 17 जुलाई दोनों को स्पर्श कर रहा है ये, इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व बढ़ जाता है। और ऐसे समय में हालांकि जो दीक्षाएं वगैरह होंगी, जो कुछ होगा, वह तो सूतक लगने के पहले ही हो जाएंगी, गुरु पूजन इत्यादि जो भी होगा सूतक लगने के पहले ही कर लिया जाएगा, लेकिन जो ग्रहण काल की जो साधना होती है, जो ग्रहण काल में विशिष्ट प्रयोग किए जाते हैं, वो अपने आप में अमोघ होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस अवसर का लाभ उठाएंगे आप। और बहुत सारे लोग बात किया करते हैं कि मैं आपके सानिध्य में रह करके कुछ करना चाहता हूं, तो मेरा पूर्ण सानिध्य प्राप्त होगा आपको, साथ में मेरे परम पूज्य गुरुदेव का भी सानिध्य आपको प्राप्त होगा, वो भी जीवितावस्था में। आप हमारे आएंगे, फिर हम आपको अपने पूज्य गुरुदेव के पास भी ले चलेंगे। ये व्यवस्था हमने अभी सोची है और बनाई है, क्योंकि शिष्य के लिए अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने गुरु के सानिध्य में जाकर के उनका आशीर्वाद ले सके। तो मेरे पास आने वाले लोग साधक मेरा सानिध्य तो प्राप्त ही करेंगे, मेरे परम पूज्य गुरुदेव का भी दर्शन वो प्राप्त करेंगे, और बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। और यह है पतित पावनी भक्तवत्सला माता जाह्नवी, जिन्हें आप माता गंगा कहते हैं, उनके सानिध्य में भी होगा। तो इसमें यात्रा का भी लाभ मिलेगा आपको और कई संयोग मिलेंगे आपको। माता गंगा के सानिध्य में आपको दीक्षा मिलेगी, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ऐसा इस बार जरूर होगा। और अपने आप में ये श्रेष्ठतम समय होगा जब आप भी साधना कर रहे होंगे और आपके साथ हम भी कर रहे होंगे, आप मेरे साथ बैठे होंगे और साधना कर रहे होंगे, साथ में मैं भी साधना कर रहा हूंगा। ये है क्षण आपको शायद ही मिले। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।